हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कन्हैया लाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पानी की समस्या आज विकट है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हर बार पता होता है कि गर्मियों के दिनों में पानी की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, तो ये समस्या का समाधान पहले क्यों नहीं किया गया, अब तो 6 महीने हो गए। देखो, जिस तरह से हमारी सरकार ने जो पिछले साल की अपेक्षा हमने बहुत ज़्यादा व्यवस्था की है, पिछली अगर मैं गर्मी की बात करूं तो पहले बारिश से लगभग 23% ज़्यादा बारिश हुई थी और लगभग 35% पानी सरफेस वाटर ज़्यादा था। इस बार 35% पानी कम है। इस बार हमने लगभग 8 लाख कनेक्शन ज़्यादा कर दिए। इसके बावजूद भी जो हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है, हमने आज लगभग 12,000 से ज़्यादा टैंकर पानी के हमारे शहर और गाँव में चल रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 1800 से ज़्यादा हमने ट्यूबवेल्स एंड पम्प्स का हमने सेंक्शन दे दिए, उनमें से 40% के आसपास लग चुके हैं और 150 करोड़ से ज़्यादा पुराने ट्यूबवेल्स एंड पम्प और जो पुरानी कोई लाइनें डैमेज थी उसका 90% काम हमने पूरा कर दिया। और जिस तरह से जो पिछले 5 सालों के अंदर जो पानी की जो व्यवस्था करनी चाहिए थी इन्होंने नहीं करने की वजह से जो आज जो राजस्थान के अंदर जो स्थायी जल की जो कमी आ रही है, अगर ये इसकी व्यवस्था पहले करते थे तो आज कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा सुधार कर सकते थे। बाकी जिस तरह से हमने मॉनिटरिंग की है, जिस तरह से जो अवैध कनेक्शन अवैध बूस्टरों पे जो हमने पकड़ धकड़ की है, जिस तरह से लोगों के खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज कराए हैं जो अवैध कनेक्शन ले रखे थे, इसकी वजह से आज काफ़ी कुछ हम सुधार करें। और वास्तव में जिस तरह से पिछले साल जो टेम्परेचर 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में था, आज वही टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री के बीच में, तो कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ रही है और तकलीफ भी हो रही है। दोन भी पिछले साल की अपेक्षा नीचे, वाटर लेवल नीचे जा चुका है। कन्हैया लाल जी, सुनिए मेरी बात, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब लाइट चली गई थी, आपको एहसास हुआ होगा कि जब बिजली जाती है एकदम से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्या आप लोगों को जो कितनी परेशानी हुई। हम आज अस्पतालों की बात कर रहे हैं, वहाँ बिजली नहीं है सर, बहुत सारे अस्पतालों की ऐसी समस्या आ रही है, सोचिए मरीजों को, तीमरदारों को कितनी परेशानी होती होगी, पीने का पानी नहीं वहाँ पर नसीब हो पा रहा है। बिजली की मैं बात बताइए सर जी, बिल्कुल वास्तव में बिजली की दिक्कत आ रही है। बाकी जिस तरह से जिसमें जो सुधार करने की हमारी सरकार ने कोशिश की, बिजली में भी हमने काफ़ी सुधार किया, जिस तरह से पिछले 5 साल में 1 मेगावाट भी इन्होंने बढ़ाने की कोशिश नहीं की, आज पिछले साल की अपेक्षा लगभग 35 लाख यूनिट ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, जबकि हमारा प्रोडक्शन हमें जो पहले था वही प्रोडक्शन मिला। पहले जिस तरह से बार बार ट्रिपिंग आती थी डैमेज, उसमें हमने काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है। डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद भी पिछले साल से ज़्यादा हमारी आज बिजली की व्यवस्था सुधारी है, इससे ज़्यादा हमारी सरकार जो काम कर रही है। डिमांड अगर बड़ी है तो फिर कुछ कोशिश करनी चाहिए थी, दूसरे राज्यों से जो है खरीदनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था। ये देखिए अस्पताल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जिसका दम भरते हैं कि हम बेहतर करेंगे, वहाँ पर ऐसी परेशानी आ रही है। नहीं, बाहर से भी हमने खरीद रहे हैं, हमारी सरकार बाहर से भी खरीद रही है, सारी चीज़ कर रही है। बाकी जो प्रोडक्शन जो हमने 13 से 18 में जो बढ़ाया उससे पहले बढ़ाया, बाकी 5 साल में इन्होंने 1 भी मेगावाट बिजली बढ़ाने की कोशिश नहीं, इसकी वजह से तकलीफ तो हुई है ना। ठीक है, अगर इसमें काम करते आज हमारी सरकार सरकार आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पुरानी सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा, अब सत्ता में आप लोग हैं, आप लोगों को करना होगा, 6 महीने हो गए हैं, अब पिछली सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। कर रहे हैं हमारी सरकार इस पर पूरा काम कर रही है, हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है हमारे मुख्यमंत्री जी बाहर से भी बिजली खरीदने की पूरी व्यवस्था करें, हमारे ऊर्जा मंत्री लगे हुए हैं, 100% हम बिजली की दिक्कत राजस्थान की जनता को नहीं आने देंगे, न पानी से तकलीफ देने देंगे। वो कई सारे सजेशन भी दे रहे हैं आने वाले 1-2 दिन में, और कई सारे सजेशन भी दे रहे हैं, अगर सर वो सजेशन मान ले तो फायदा तो आप ही लोगों को होगा, क्योंकि काम तो आप ही लोगों को ग्राउंड पर करके दिखाएंगे, वो एक एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। 100% जो भी हमारे जो माननीय सदस्य जो माननीय हमारे साथी हमें जो भी सजेशन देंगे 100% हमारे सरकार उन पे काम करेगी, जो अच्छे सजेशन राज्य सरकार की जनता के लिए होंगे उनको 100% हम पूरा। कन्हैया लाल जी, वैसे तो आप जल्द आए।